उपचुनाव में इस बार घमासान, कांग्रेस गिनाएगी कमलनाथ सरकार के काम, बीजेपी के पास भी सरकार की कई उपलब्धि, 15 महीने बनाम 15 महीने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल 4 उपचुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। 29 जुलाई को मध्य प्रदेश कांग्रेस की इस पर एक बड़ी बैठक भी हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी में भी बैठक में इस पर मंथन हो चुका है। हालांकि अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला और मुद्दा करीब करीब फाइनल हो गए हैं, जिससे इस बार दमोह उपचुनाव से भी ज्यादा घमासान मचने की संभावना प्रबल हो गई है। पहले आपको बता देते हैं उपचुनाव में कांग्रेस के संभावित मुद्दे के बारे में। कांग्रेस अपनी 15 महीने की सरकार के दौरान चलाई गई फ्लैगशिप योजनाओं को इन उपचुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए किए जाने और पेंशन बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। इतना ही नहीं, इस बार मुद्दे में कोरोना भी होगा। इससे पहले कमलनाथ जी से मिलके चले गए अरुण यादव, सचिन यादव जी, और पूरी कांग्रेस एक है। एक किसी दिन किसी कोई पर्सनल वजह से नहीं आ पाता, कोई कोविड का मामला चल रहा है, देख तो रहे हैं कि किस तरह से लोगों कहीं वो होगा, तो इसलिए नहीं आए। बाकी जैन वर्मा जी और अरुण यादव जी बड़े अच्छे मित्र हैं, तो नोकझोंक चलती रहती है। ये तो है कांग्रेस का दावा, लेकिन बीजेपी भी कोई हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। वह भी तैयार है। अगर 15 महीने शिवराज सरकार के काम की बात करें तो कई सफलताएं सरकार के नाम पर हैं। आइए एक नजर सरकार के उन कामों पर डाल लेते हैं जिन्हें उपचुनाव में भुनाया जा सकता है। कोरोना रोकथाम पर सरकार का बेहतरीन प्रबंधन, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना, कोरोना से दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति, किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई गई, भूमाफिया रेत माफिया के खिलाफ जारी अभियान, मिलावटखोरों पर भी नकेल, लाडली लक्ष्मी योजना का भी होगा विस्तार, मध्य प्रदेश में नई हवाई सेवाएं शुरू। कोई चुनौती नहीं, शिवराज सिंह जी के चेहरे का कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, और ये हम कई बार सिद्ध कर चुके हैं। दमोह के मुगालते में कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें अधिकतर सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को दमोह उपचुनाव में हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन पार्टी एक बार फिर मजबूती के साथ चारों उपचुनाव में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा जताती है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है इस बार 15 महीने वर्सेस 15 महीने। वाकई इस बार 4 उपचुनाव पर जबरदस्त घमासान दिखाई देगा, क्योंकि कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस अपने तेवर दिखा चुकी है। हालांकि सरकार ने भी कोरोना रोकथाम के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन इसके साथ दोनों के 15 महीने भी इस चुनाव में एक मुद्दा बनकर गूंजेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या 15 महीने के मुद्दे जीत हार पर असर भी डाल सकते हैं। मिलिए मेरे साथ उन मेहमानों से जो इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं, बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, आज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश शर्मा साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। शुरुआत सत्य प्रकाश साहब आप ही से करना चाहूँगा। हम जब चुनाव की तरफ आगे बढ़ते हैं और सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं, तो आमतौर पर 5 साल या फिर 60 महीने का वक्त होता है, लेकिन जब हम 2023 में इस तरह की कोई चर्चा करेंगे उस वक्त 1.5 साल और 3.5 साल पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये जो उपचुनाव हैं, हम एक बार फिर से इस बात का मौका दे रहे हैं कि एक बैठक हो जाए और कुछ ऐसे मुद्दों पर बातचीत कर ली जाए जिनके ज़रिए हम इन दोनों सरकारों के अब तक के 15-15 महीनों का मूल्यांकन कर सकें। एक वरिष्ठ पत्रकार की नज़र किस तरह से इन दोनों के 15 महीनों को देखती है? जी 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 सोहेल जी, ये बिल्कुल बात सही है कि जब भी कोई सरकार किसी भी इलेक्शन में जाती है तो वो अपने कामों को गिनाती है, लेकिन इन जो इलेक्शंस के सिचुएशन है वो कुछ अलग है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहे हैं, जितने भी बाईपोल होने वाले हैं,
अभी वो भी निश्चित नहीं है कि कोविड की स्थिति में वो कितने दिन टलते हैं, ये 15 महीने रहेंगे या 20 महीने हो जाएंगे, और भी टाइम लग सकता है। लेकिन ये पक्की बात है कि उन चार कॉन्स्टिट्यूंसीज इंक्लूडिंग वन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शंस आपको पता है कि कैंडिडेट की मृत्यु के कारण हो गए, यानी वहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे या एमपी थे उनके कारण। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कोविड का मैनेजमेंट है जो सेकेंड वेव के दौरान हुआ है, वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि महंगाई, सरकार ये कांग्रेस तो करेगी, लेकिन कांग्रेस साथ साथ अपना जो काम गिनाएगी वो तो गिनाएगी, क्योंकि लंबा टाइम हो गया। लेकिन वो आज की जो महंगाई है, पेट्रोलियम दामों के जो दाम बहुत ऊपर जा रहे हैं उसको, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट, इस चीज को भी कांग्रेस उठाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण इशू अगर कोई आएगा, अभी जो ज्वलंत मुद्दा है वो आएगा, ओबीसी को 27% आरक्षण, क्योंकि 27% का जो आरक्षण है वो उस पर कमलनाथ जी ने एक गेम खेला कि कमलनाथ जी ने उस दिया, ऑर्डिनेंस पास किया और इसके बाद वो चीज बाद में कोर्ट में जाके अटक गई। अब वो ये मुद्दा उठाएंगे कि नहीं, सरकार ने अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा। भाजपा इसको उलट मुद्दा उठाएगी कि सरकार ने उस मजबूती के समय, वो 2019 से 20 तक का समय गंवा दिया जिसमें ये दे सकते थे। आपने एक चीज और देखी, सेंटर ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा स्टेप लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेप लिया है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 27% ऑल इंडिया कोटा फॉर ओबीसी दे दिया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% दे दिया। ये मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी का, भले ही वो इस चुनाव में बुनाए या आने वाले यूपी या अन्य राज्यों के असेंबली इलेक्शंस में बुनाए, लेकिन ये पक्की बात है कि बायपोल्स में ये मुद्दा ओबीसी महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है। हालांकि सरकार ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप बहुत अच्छे लिए, जैसे ऑर्फन बच्चों के मामले में जो स्टेप लिया वो शिवराज का वाकई लाजवाब स्टेप है, और मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि उनका कौन है ये शिवराज ने पहचाना। शिवराज की तारीफ है कि वो तभी मामा कहलाते हैं कि वो उन लोगों के प्रति ज्यादा सोचते हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है। तो ये स्टेप बहुत अच्छा रहा, लेकिन हालांकि ये भी मुद्दा बहुत रहेगा कि मिसमैनेजमेंट कोविड के सेकंड वेव के दौरान सरकार का, ये बड़ा मुद्दा रहेगा, और इसी के कारण इन चारों लोगों की जो मृत्यु हुई है वो भी एक बड़ा कारण रहने वाला है। सुहेल जी, इसके आगे आपको एक चीज, जी मैं लौटता हूँ आपके पास दोबारा। जी जी गैरवर्धन शर्मा साहब, आप सुन रहा होंगे, चार बड़े मुद्दे सत्य प्रकाश शर्मा साहब रखते हैं। हालांकि बीजेपी के पास, हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी एक लंबी फहरिस्त गिनाई जिसमें सरकार का बेहतरीन प्रबंधन था, कोरोना को लेकर अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना है, और दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति है, किसान सम्मान निधि है, रेत माफिया भूमाफिया पर कार्रवाई है, मिलावटखोरों के खिलाफ है, लाडी लक्ष्मी योजना का विस्तार है, नई हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। एक लंबी फहरिस्त हमारी रिपोर्ट के जरिए थी, लेकिन चार बड़ी चीज़ें, बेरोजगारी, महंगाई, ओबीसी कार्ड और कोरोना मिसमैनेजमेंट। सत्यप्रकाश शर्मा साहब के इन तमाम सवालों को किस तरह से धैर्यवर्धन शर्मा साहब, बीजेपी, अगर कांग्रेस ये मुद्दे उठाती है, क्या जवाब है? देखिए, मैं चार लाइन से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा जी, कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग काग सब भये अपावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के जी। शिवराज जी उस कोयल के समान है जो मधुर वाणी के साथ लोगों के हृदय को सुख पहुंचाने का काम करते हैं, वे सेवा के भाव में गुणी है, वे संबंधी संवेदनशीलता के मामले में बेहद गुणी है, वे लोगों के बीच पहुंच बनाने में बेहद गुणी है, इसलिए लोगों का विश्वास शिवराज जी के साथ बरकरार ही नहीं है बल्कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जहां तक लोक कल्याण की बात है, आप देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे सरकार ने गेहूं उपार्जन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कैसे हमने इन किसानों के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक नया कदम उठाया कि जहां पर 6,000 रुपए मोदी सरकार दे रही है तो हमने 4,000 रुपए सालाना अपनी ओर से बढ़ाए। अब शिवराज जी की सरकार के कारण, बीजेपी की सरकार के कारण 10,000 रुपए उनको मिलने लगे जी। हम स्व सहायता समूहों को कर्ज देने में सफल रहे, पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नंबर है, जल जीवन मिशन में हमारा पूरे हिंदुस्तान में तीसरा नंबर है, आत्मनिर्भर राज्यों में हमारा दूसरा नंबर है, और छोटे वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने में हिंदुस्तान में हमारा पहला नंबर है, आयुष्मान कार्ड बनाने में हिंदुस्तान में हमारा पहला नंबर है, वैक्सीन के मामले में भी मध्य प्रदेश की लगभग आधी आबादी को वैक्सीन लगाने में
हम सफल हुए। जी 2.5 करोड़ से ज्यादा तो हमारे पहले डोज लोगों को लग ही चुके हैं और सेकेंड डोज भी 50 लाख के आसपास पहुंच चुका। और आदिवासियों की अगर हम बात करें तो अंत्योदय हमारी जुबान पर नहीं होता है, अंतर्मन में होता है। आदिवासियों के लिए पक्के मकान कौन बना करके दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस की इंदिरा आवास कुटीर तो आज तक कभी देखने को ही नहीं मिली। शौचालय किसने बनवाया घर घर? बीजेपी की सरकार में। और तो और माता बहनों को आदिवासियों का 1,000 रुपए प्रतिमाह शिवराज सिंह सरकार इसलिए देती है कि उनके बच्चों को गुड़ और सब्जियां भाजी यह सब खरीदने की कोई दिक्कत ना हो, पोषण आहार मिले, उनके शरीर को भी विटामिन मिनरल्स फैट कार्बोहाइड्रेट सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक, देखिए सभी विभागों में सरकार इस भयानक आर्थिक संकट के दौरान भी लगातार काम कर रही है, इसलिए ऊंचे मनोबल के साथ सेवा के संकल्प की सौगंध उठाई हमने और उसी ईमानदारी के कारण से हम लोगों के बीच जाएंगे और हमेशा से उनका आशीर्वाद पाने में हम सफल रहे, आगे भी पाएंगे। ठीक, मैं लौटता हूँ कुछ और सवालों के साथ आपके पास। सिद्धार्थ तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। सिद्धार्थ जी, इससे पहले जब हम दमोह से पहले जब 26 सीटों पर उपचुनाव में गए उस वक्त कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा ये बनाया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और कांग्रेस की चलती सरकार को गिराया, लेकिन उन उपचुनाव में जो रिजल्ट सामने आए उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर कट ये नज़र नहीं आया कि उस मुद्दे ने कांग्रेस के लिए काम किया हो। और मेरे शायद अगर मैं गलत नहीं तो चूंकि वक्त अब बहुत गुजर चुका है इसलिए वो मुद्दा पुराना भी होगा, लेकिन यकीनन इस बीच कांग्रेस ने कुछ रणनीति अपनी तय की होगी। क्या कुछ नए मुद्दे सिद्धार्थ तिवारी के पास हैं जिसको लेकर वो बीजेपी को चुनौती देंगे? और साथ ही वो कुछ 15 महीने की पुरानी यादें भी सिद्धार्थ तिवारी रखते हैं जिसको लेकर वो जनता के सामने पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? सोहेल जी, आपने बहुत सही सवाल पूछे हैं। मैं जो संज्ञा कोयल की आदरणीय शर्मा जी दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है ये बखान करने की आवश्यकता इनको अपने शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में ज़्यादा है बल्कि जनता को, क्योंकि जनता शिवराज सिंह चौहान जी को नकार चुकी थी 2018 में और उसके बाद इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। दमोह में जनता ने पुनः अपना रुख साफ कर दिया और आने वाले उपचुनावों में और साफ कर देगी, क्योंकि जनता शिवराज सिंह चौहान जी को बदलना चाहती थी। अब जनता नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी शिवराज सिंह चौहान जी को बदलने वाली है, कह रही है उनका अंदरूनी मामला है। मैं एक दावा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, 15 महीनों में जितना काम इस सरकार ने किया है ये मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी सरकार ने 15 महीने में इतना काम नहीं किया है। आते ही किसान ऋण माफी की योजना उन्होंने लाई और किसानों का ऋण माफ करना उन्होंने शुरुआत कर दी। इसके पहले कि 2 लाख रुपए तक पहुंचते, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और उनके मित्रों ने खरीद फरोख्त करके साहूकारों के पैसे से सरकार को गिरा दिया। कमलनाथ सरकार जैसे ही आई उन्होंने जो पेंशन 300 रुपए थी उसको 600 रुपए कर दिया। कन्या विवाह के लिए जो 25,000 रुपए मिलते थे उसमें भी अधिकतर सामग्री मिलती थी और पैसा नहीं मिलता था अभिभावक को, वो 51,000 रुपए आते ही कर दिया। बिजली का बिल जिससे हमारे किसान 15 साल त्रस्त थे और अब वापस वही हाल बिल का हो गया है और किसान हमारे पुनः त्रस्त हो रहे हैं, उस बिल को 100 यूनिट 100 रुपए में कर दी थी कमलनाथ जी ने। कर्ज किसान का किया था माफ और बिजली का बिल किया था हाफ, और जनता ने इस बात को माना था और इसीलिए दमोह चुनाव में उन्होंने दिखाया। जहां तक रोजगार की बात है, कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश के युवा हैं इनके लिए 70% आरक्षण, जो भी इन्वेस्टमेंट स्टेट में आएगा उसमें 70% जो आरक्षण होगा वो हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए होगा। ये एक सिर्फ एक हिम्मत वाला मुख्यमंत्री ही इस तरह के काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर उद्योग चलता था, जैसे ही कमलनाथ जी आए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से पहली बार 15 साल में लोगों ने ऐसा देखा कि टीचर अपनी स्वेच्छा से जहां जाना चाहते हैं अपने हिसाब से जाएंगे, कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल इसके रेट तय थे, रेट कार्ड बना हुआ था। आपने आरक्षण की बात की, 27% कोटे की, 27% कोटा
जैसा कि आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में बताया कि आदरणीय कमलनाथ जी ने लाके पारित कर दिया था केंद्र सरकार में, उसके बाद कुछ कोर्ट में कुछ भारतीय जनता पार्टी के मित्र जा करके और कुछ लोगों ने उसको उस पर साजिश की और उसको नहीं होने दिया, इस कारण 27% कोटा नहीं हो पाया। लेकिन कमलनाथ जी जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर बात की थी, भू माफिया के खिलाफ कमलनाथ जी ने एक पूरी मुहिम चलाई हुई थी, शुद्ध के लिए उन्होंने एक युद्ध किया था। इन दो मुहिम के कारण भारतीय जनता पार्टी और उनके व्यापारी मित्र जो इन सब चीजों में संलग्न थे वो इतने परेशान हो गए कि उनको विधायक खरीद करके सरकार गिरानी पड़ी और जनता के मैंडेट का अपमान किया उन्होंने। सिद्धार्थ जी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आज महंगाई पे आपने बात जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया है, लेकिन चूंकि एक सवाल ये भी खड़ा है कि वक्त बहुत तेजी से गुजरता जाता है और इंसानी फितरत है कि वक्त गुजरने के साथ कुछ चीजों को भूलता भी है, क्या कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को एक बार फिर से वोटर्स को याद दिला पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। सुहेल जी, एक कहावत है कि आराम की आदत पड़ जाती है लेकिन मुफलिसी की आदत कभी नहीं पड़ती। जिस आप में ये मुद्दे तो हैं ही, क्योंकि जनता रोज परेशान हो रही है। शिवराज सिंह चौहान जी अपने सचिवालय में जाने से ज़्यादा दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको सिंधिया जी को भी मैनेज करना है, प्रधानमंत्री को भी मैनेज करना है, गृहमंत्री को भी मैनेज करना है और आरएसएस हेडक्वार्टर्स को भी मैनेज करना है। इसलिए काम में तो उनका इस 15 महीने में कोई ध्यान था ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। कितनी बार दिल्ली चलेगा? कि आपने बात की मुद्दों की, मुद्दे तो अब ऐड हो गए हैं। कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट जिस तरह से कोरोना का हुआ है साहब, हमने अपने आंखों से देखा, आपने हमने सब ने देखा है, मैंने बिलखते हुए लोगों को देखा है, ऑक्सीजन के बिना अपने प्राण देते हुए देखा है। और इन्होंने बात की कि कोरोना में हम सहायता करेंगे लोगों को, जिन मुलाजिमों की उसमें डेथ हुई है उनको हम नौकरियां देंगे। आप नौकरियां, आप किसी को जब वादा करते हैं, अगर आप आंकड़े ही गलत देंगे तो आप क्या दे पाएंगे उस व्यक्ति को? आप पहले ही आंकड़े कम कर देते हैं। कोरोना में पूरी तरह से आंकड़े छुपाए गए हैं, ना केवल शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा बल्कि मोदी सरकार के द्वारा भी आंकड़े छुपाए गए हैं। इतनी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज आई हैं, सब ने बोला है कि 50 लाख से ज्यादा मौतें अनुमानित हैं इस देश में, और लाखों में हमारे प्रदेश का भी नंबर है उसमें। ठीक सिद्धार्थ जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। मुद्दे हैं अभी 24 घंटे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। 400 लोगों को कोरोना की अनुकंपा नियुक्तियां दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक, और वो सिलसिला जारी है जी। इसलिए गलत बयानी करने से कोई फायदा नहीं है। देहरवर्धन जी, मैं आता हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ देहरवर्धन जी, तब आप आंकड़े भी रख दीजिए। आंकड़े गलत हैं, आप मैं आ रहा हूँ, जा करके देखें। मैं आता हूँ आपके पास, तब आप आंकड़े भी रख दीजिए। सत्यप्रकाश जी, आमतौर पर हमने देखा है, जब सत्यप्रकाश जी हमने आमतौर पर देखा है, जब बड़े चुनाव होते हैं और जब प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कोई प्रादेशिक मुद्दा होता है, जब देश में चुनाव होते हैं तो राष्ट्र में कोई बड़ा मुद्दा होता है। में जाएंगे, लेकिन आमतौर पर जो उपचुनाव हैं उनका ट्रेंड यही होता है कि वो बहुत छोटे और स्थानीय मुद्दों तक सिमट कर रह जाता है। और कई बार, जैसा कि इस उपचुनाव में भी हम देखने जा रहे हैं, कई हमारे विधायक दिवंगत हुए हैं, ऐसे में जो सहानुभूति का वोट है वो शायद ज्यादा काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल सुहेल जी, आप सही दिशा में। तो सत्यप्रकाश जी, क्या लगता है, इधर बीजेपी के अपने दावे हैं कि वो तमाम चीजों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, कांग्रेस अपनी तमाम उपलब्धियों और बीजेपी की नाकामियों को गिनाने की बात कर रही है, लेकिन फिर भी आपको क्या महसूस होता है, क्या ये उपचुनाव वाकई स्थानीय मुद्दों, जो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, और उम्मीदवार के चेहरे तक सिमट सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये चुनाव हो किसके कारण रहे, कि उन लोगों की अप्राकृतिक मौत के कारण हो रहे हैं जो हमारे लेजिस्लेटर्स थे। तो आप ये मान के चलिए कि जब किसी ऐसी मृत्यु के कारण कोई जनप्रतिनिधि की मृत्यु होती है और वहां पर बाइपोल्स होते हैं तो वो एक सिंपैथी की लहर भी आती है। इसमें आपने देखा होगा कि 3 MLA की जो सीट्स हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनमें 2 कांग्रेस के हैं, जोबट और पृथ्वीपुर, और एक सतना की, वो भाजपा के पास सीट है और एक भाजपा की लोकसभा की सीट है। तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर ये भी मुद्दा प्रभावी रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ सुहेल जी, कि आपने देखा होगा कि 15 महीने के बाद सरकार कांग्रेस की जाती है, दूसरी सरकार आती है और वो जो बायपोल्स होते हैं वो सिचुएशन, और आज के 15 महीने के बाद की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर बायपोल्स की स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जो स्थिति थी
वो क्या थी कि पब्लिक ने स्टेबिलिटी के लिए वोट किया था, क्योंकि कांग्रेस की भी उस समय जो गवर्नमेंट थी उसमें भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आती थी, क्योंकि लोगों में एक मैसेज था कि कब ये चली जाए कब ये चली जाए, केवल तीन चार सीट का डिफरेंस था जी। तो इसलिए अब दूसरी बार जो आज की स्थिति है वो स्टेबिलिटी वाली बात नहीं है। बात क्या है, कांग्रेस दमोह के बाईपोल के रिजल्ट से बहुत उत्साहित है और उसका उत्साह इस चुनाव में वो दिखाने का प्रयास करेगी, लेकिन शिवराज सिंह भी बड़ा फेस माने जाते हैं। ऐसा नहीं, अगर शिवराज सिंह जी बड़ा फेस नहीं होते तो ये सरकार जब मध्य प्रदेश की गिरी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नहीं होते थे, क्योंकि ये सबको पता है कि सेंटर शिवराज के प्रति क्या स्थान जानता है क्या समझता है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप की मजबूरी थी क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर उनकी कैटेगरी का दूसरा फेस भाजपा के पास उस समय नहीं था और मेरे ख्याल से आज भी नहीं था। तो शिवराज का जो फेस है वो कहीं ना कहीं मास लीडरशिप वाला फेस है और वो जितना इम्पैक्ट डालेंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर वो बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन साथ ही कांग्रेस अपने उत्साह के साथ इन चुनाव में उतरेगी। सिचुएशन दोनों इलेक्शंस की 2-15 महीने और ये 15 महीने की बिल्कुल डिफर है। आप मान के चलिए उस समय कोविड नहीं था, अभी कोविड है और कोविड एक बड़ा मुद्दा है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश और पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा है और हर पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी, चाहे वो उसने अच्छा मैनेजमेंट किया हो या मिसमैनेजमेंट रहा हो तो उसको अपोजिशन पार्टी उठाएगी, ये आप मान के चलिए कि मुद्दा जरूर रहेगा। जी ठीक, धर्मवर्धन शर्मा साहब, समय मेरे पास कम है लेकिन फिर भी चूंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, मिसमैनेजमेंट हुआ हो या बेहतर मैनेजमेंट रहा हो, लेकिन बकौल सत्यप्रकाश शर्मा साहब के कि कोरोना न सिर्फ प्रदेश में देश में दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और यकीनन कांग्रेस भी उसको लेकर घेरने की कोशिश जरूर करेगी, क्या कुछ जवाब आंकड़ों के जरिए होंगे शर्मा साहब के पास? देखिए, कोरोना को लेकर के पर्याप्त चर्चा हो गई है जी। किसी भी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन का कोई प्रबंध नहीं होता था, ना इतनी आवश्यकता कभी पड़ी, और जब आवश्यकता पड़ी महामारी के दौरान तो हमारी सरकार ने तो सेना के हवाई जहाजों से मालवाहक जहाजों से टैंकर पहुंचा करके ऑक्सीजन मंगाई है, वह सबने देखा है, कैसे लोगों का इलाज करवाया सरकार ने वह सबने देखा है। अब वो महामारी थी, महामारी किसी को नहीं बख्शती, महामारी लाख जतन करने के बाद भी जान लेती है, बड़ी तादाद में लेती है, तो ये जनता के सामने है सारी बात, पर सरकार उन लोगों की मदद कर रही है जो पीड़ित है, सरकार उनको एक धनराशि देने की घोषणा कर चुकी है, उस पर काम जारी है। अभी मैं फिर कह रहा हूं, ये कल का दिन है, 24 घंटे हुए अभी मुश्किल से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लगभग 450 नियुक्तियां की हैं, अनुकंपा नियुक्तियां, कोविड में जो लोग अपने परिवार का साथ छोड़कर के चले गए वे सरकारी कर्मचारी, शिवराज जी के बारे में यह धारणा है कि शिवराज जी कर्मचारी हितैषी है, शिवराज जी किसान हितैषी है, शिवराज जी मजदूर हितैषी है, शिवराज जी आम जनता के हितकर है। वो समय बहुत कम है मेरे पास, बोलिए जी। जी, अब मैं हमारे साथी यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोरोना एक महामारी थी। मैं इनको बता दूं, इनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, इनके जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं आदरणीय मोदी जी, जब दूसरी वेव आई एक महीने पहले, हमारे प्रधानमंत्री आकर के टीवी पे छाती पीट रहे थे कि कोरोना की महामारी में हमने विजय प्राप्त कर ली। इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उसमें हाँ में हाँ मिला करके पीछे से ढोल बजा रहे थे कि देश ने कोरोना की महामारी पे विजय पाली। जबकि राहुल गांधी और बाकी सारे लीडर्स ये हर बार बोल रहे थे कि अभी आप सतर्क रहें, आप तैयारी करें, ऑक्सीजन की तैयारी करें और बहुत सारी और बातें करें। अब एक चीज उन्होंने बोली कोरोना कॉम्पनसेशन की, कोरोना पूरी दुनिया मान चुकी है कि वो एक महामारी है। बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय बहुत कम है, सरकार को क्या रोक रहा है, क्या चीज रोक रही है इसको? मैं चार लाख रुपए जो प्राकृतिक किसी भी आपदा में मिलता है, हर मृत व्यक्ति को सही आंकड़ों के साथ वो 4 लाख रुपए सरकार देने की घोषणा तुरंत करे और जल्दी से मनी रिलीज करे। एक छोटा सा पॉइंट मैं और बोल दूंगा, चूंकि मैं बॉर्डर के इलाके से आता हूं, हमारे यहाँ पेट्रोल 113 रुपए है, बगल में यूपी में यहाँ पर पेट्रोल 10 से 11 रुपए कम है। मेरी शिवराज सिंह चौहान जी से ये मांग है और पूछना चाहता हूँ कि ये वो क्यों ये पैसा ज्यादा ले रहे हैं और जनता का ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? चलिए, उम्मीद है ये तमाम मुद्दे लेकर आप जनता के बीच भी इस उपचुनाव में जाएंगे और फिर जनता क्या कुछ फैसला करती है इन तमाम मुद्दों को लेकर
उसके लिए हमें उपचुनाव और उपचुनाव के बाद आने वाले रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार बनाम शिवराज सिंह चौहान की 15 महीने की सरकार, आगामी 4 उपचुनाव, 3 विधानसभा, 1 लोकसभा। कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर फील्ड में जाने के लिए तैयार है, लेकिन इधर बीजेपी भी तमाम सवालों के जवाब के साथ मोर्चा लड़ाने के लिए तैयार है। अब फैसला जनता करेगी कि उसे किसके दावे और किसके वादों पर भरोसा है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।